Hello everyone, welcome to my channel Vishesh Learning Institute, and today I am going to discuss some problem on Laplace transform. So let's start the video. So the problem is, determine the Laplace transform of the following questions. First is sine square at, second is t square plus 1 ka whole square, and third is 3 e to the power 2t plus 2 e to the power minus 3t. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पहला क्वेश्चन, तो हमें फाइंड करना है लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर ए टी. तो एक तरह से हमें मिल गया एल ऑफ एफ टी. तो हियर एफ टी इज साइन स्क्वायर 80. तो हम जानते हैं कि स्क्वायर का लाप्लास हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसलिए इसको हम चेंज कर सकते हैं साइन स्क्वायर को. तो हम फॉर्मूला जानते हैं, कॉस 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x. तो साइन स्क्वायर x इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2. उसी तरीके से हम साइन स्क्वायर 80 को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 280 अपॉन 2. क्लियर, सिंपल कॉस फॉर्मूला है कॉस 2x का. नाउ एल ऑफ साइन स्क्वायर 80 इक्वल टू लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस 280 अपॉन 2. इसको हम सेपरेट कर सकते हैं. तो L लाप्लास ऑफ 1 बाई 2 माइनस हाफ लाप्लास ऑफ कॉस 280. तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 लाप्लास ऑफ 1 माइनस हाफ लाप्लास ऑफ कॉस 280 का लाप्लास हम जानते हैं, ये होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. लाप्लास ऑफ कॉस 80 होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. यहाँ पे ए की जगह पे क्या है 2a, तो यह हो जाएगा टू ए का होल स्क्वायर हाफ. लाप्लास ऑफ 1 होता है 1 बाई एस माइनस 1 बाई 2 एस एस स्क्वायर प्लस 2a, या इसको हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर. ऐसा चाहे तो हाफ कॉमन ले लें, ये आएगा 1 बाई एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर. क्लियर, तो यहीं पे छोड़ सकते हैं. एल ऑफ साइन स्क्वायर 80, या तो चाहे तो इसका एलसीएम ले सकते हैं हाफ. एलसीएम हो जाएगा एस एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर. ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2. एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर अपॉन एस एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर. क्लियर, सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. साइन स्क्वायर 80, लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 80 इज इक्वल टू 1 बाई 2, या 2 से हम इसको काट सकते हैं. तो फाइनली हमें मिलेगा 2a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, इसको थोड़ा हम बड़ा लिख दें, 2a स्क्वायर अपॉन एस एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर. तो लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 80 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर अपॉन एस एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर. क्लियर, तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं. सेकंड क्वेश्चन,
दूसरा क्वेश्चन है हमारा, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ये है, तुम सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर ले, तो लाप्लास जो एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा टी का पावर फोर प्लस वन प्लस टू टी स्क्वायर। सिंपल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब यहाँ पे हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं लाप्लास का, तो ये हो जाएगा टी पावर फोर प्लस लाप्लास ऑफ वन प्लस टू लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर। कहाँ से हम लिख रहे हैं, यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। टी फोर का क्या होगा, तो टी फोर का होगा, हम जानते हैं लाप्लास ऑफ टी पावर एन होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन। इसी को हम यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा फोर फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर फोर प्लस वन प्लस एन, इसका होता है वन बाई एस प्लस टू। और उसी तरीके से ये टू फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर टू प्लस वन। क्लियर, तो ये फॉर्मूला है। फाइनली हमें मिलेगा फोर फैक्टोरियल मीन्स फोर इंटू थ्री इंटू टू, सो फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन एस टू द पावर फाइव एंड देन टू वर्सेस नथिंग, सो वन बाई एस प्लस टू टू फोर अपॉन एस टू द पावर थ्री। सो क्लियरली फोर थ्री जो ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर अपॉन एस टू द पावर फाइव वन बाई एस माइनस फोर एस क्यू। तो ये रहा लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, आसान है। यहाँ लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, जो हमने सबसे पहले वीडियो में बताया था, दूसरे वाले वीडियो में। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ भी प्लस ही होगा, यहाँ प्लस है। भैया लास्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, वो है लाप्लास ऑफ थ्री ई टू द पावर टू टी प्लस टू ई टू द पावर माइनस थ्री टी। सो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसमें भी हम उसी तरह लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा थ्री लाप्लास ऑफ ई टू द पावर टू टी प्लस टू लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस थ्री टी। सो थ्री और लाप्लास ऑफ ई टू द पावर टू टी हो जाएगा वन अपॉन एस माइनस टू एंड प्लस टू वन अपॉन एस प्लस थ्री। हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ e टू द पावर ए टी होता है वन अपॉन s माइनस ए एंड लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी इक्वल टू वन अपॉन s प्लस ए। तो उस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा, चाहे तुम थ्री बाई एस माइनस टू लिख लें प्लस टू अपॉन एस प्लस थ्री। क्लियर, सो फाइनल आंसर इज थ्री अपॉन एस माइनस टू प्लस टू अपॉन एस प्लस थ्री। क्लियर, सो ये थे कुछ आसान क्वेश्चंस। अब हम आते हैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है
तो ये है क्वेश्चन, इवेलुएट लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी वेयर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी माइनस वन का होल स्क्वायर व्हेन टी इज ग्रेटर देन वन एंड इट इज इक्वल जीरो व्हेन जीरो इज लेस देन टी लेस देन वन। तो हमें फाइंड करना है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, तो इसको हम उसी तरीके से दिखा सकते हैं। हम इसको क्या लिखते हैं, जीरो टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये हो गया बाय डेफिनेशन। क्लियर, ये सबसे बेसिक डिफिनीशन था लाप्लास का, ये हमेशा याद रखिए। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं फंक्शन के अनुसार, फंक्शन हमारा जीरो से वन तक है फिर वन से आगे, तो हम इसको डिवाइड कर लें दो पार्ट में, जीरो टू वन e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस वन टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो ये हो जाएगा, अब ये ज़ीरो टू वन के रेंज में एफ टी का मान क्या है, ज़ीरो, सो ये पूरा रिलेशन ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो टू वन ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू ज़ीरो डी टी प्लस वन टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी, एफ टी के प्लेस पर हमें क्या करना है t माइनस वन का होल स्क्वायर फिर ये dt। क्लियर, सो दिस होल बिकम्स ज़ीरो, हमें यहाँ से मिल गया वन इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी और t माइनस वन का होल स्क्वायर dt। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ दो टर्म दिखाई दे रहा है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते समय हम इसको मान लेते हैं सेकंड टर्म और इसको मान लेते हैं फर्स्ट टर्म। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट वी गेट e टू द पावर माइनस t माइनस वन का होल स्क्वायर, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, टी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लिमिट होगा हमारा वन टू इन्फिनिट माइनस वन टू इन्फिनिटी। फिर से इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो टू टी माइनस वन, फिर से e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। क्लियर, जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव और जो ये वाला फंक्शन था सेकेंड फंक्शन उसका इंटीग्रेशन। क्लियर, तो अब यहाँ देखिए अगर हम इन्फाइनाइट रखते हैं तो e टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट की वजह से ज़ीरो होगा, है ना, e टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो दूसरी बार अगर हम वन रखते हैं t के प्लेस पे तो यहाँ वन माइनस वन की वजह से ज़ीरो होगा, इसका मतलब ये पूरा ब्रैकेट हमें ज़ीरो देने वाला है। फिर माइनस इसको हम अगर बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा, प्लस, और चाहें तो हम टू भी निकाल लें बाहर, ये वाला टू, तो अंदर क्या बचा, वन टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी इंटू टी माइनस वन और डी टी। क्लियर, तब हम फिर से यहीं पे फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे, तो फिर से इसको सेकंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन, तो चलिए इसको एल ऑफ एफ टी इक्वल टू बाई एस, इसमें क्या हो जाएगा, तो टी माइनस वन इंटू ठीक है इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस
फिर से लिमिट होगा 1 टू इन्फिनिटी माइनस, फिर से हम इसका क्या करेंगे, 1 टू इन्फिनिटी टी माइनस 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और यहाँ हो जाएगा डी टी। क्लियर? तो अब हमें मिलेगा 2 बाई एस, और ये पूरा फिर से 0 होगा, एक हमारा इनफाइनाइट की वजह से ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, तो लोअर लिमिट रखेंगे तो टी माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इज 0, सो ये पूरा 0 होगा, तो हमें ये मिलेगा और ये हो गया प्लस, और ये सब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 बाई एस स्क्वायर, ये हो गया 1 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी और डी टी। ठीक है, 2 बाई एस स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस 1 टू इन्फाइनाइट, फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 एस क्यूब, लिमिट रखेंगे तो e टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट, फिर माइनस होगा e टू द पावर माइनस एस। क्लियर? टी के जगह हम 1 रख रहे हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, तो माइनस 2 एस क्यू, और ये माइनस प्लस हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस। क्लियर? सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, इसे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर ध्यान से वीडियो देखेंगे, अगर न समझ में आए तो बार बार इसको देखिए, पॉज करके देखिए, लिखते हुए देखिए, जैसे भी, तब जाके ये समझ में आएगा। क्लियर? तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में हम कुछ और थ्योरम लेके आएंगे और कुछ और प्रॉब्लम भी होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।